नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा खन्ना। आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी देने वाली हूं, जो कि सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगता है, बट ये वाकई में सत्य घटना है और सत्य बात है। देखिए, ब्रह्मा जी ने क्यों अपनी पुत्री सरस्वती से विवाह किया और आगे क्या है, सारी कथा जो है मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ। और देखिए, इनके विवाह के फलस्वरूप जो धरती का प्रथम मानव कहा जाता है मनु, उसकी उत्पत्ति हुई थी। तो चलिए, ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों किया उसके बारे में आगे विस्तार से वर्णन करने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम अगर अपने पुराणों की बात करें तो सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण दोनों में इसके बारे में वर्णन किया गया है। दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है, पर कारण सेम ही है। बस ये है कि थोड़ा बहुत आपको कथा में अंतर मिलेगा। तो चलिए, ये कथा मैं आपको बताती हूँ आखिर ऐसा क्या हुआ कि ब्रह्मा जी को अपनी ही पुत्री से विवाह करना पड़ा। जब सृष्टि की रचना की जा रही थी ब्रह्मा जी के द्वारा, उस समय उन्हें लगा कि उन्हें किसी को जन्म देना चाहिए। तो उन्होंने, उनकी क्योंकि पत्नी नहीं थी, उन्होंने खुद सरस्वती को जन्म दिया और सरस्वती का जन्म हुआ। और वो सरस्वती माता को विद्या की माता कहा जाता है। तो वो जब उनका जन्म हुआ तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि वो उनकी पुत्री है। मैं ये जो कथा है सरस्वती पुराण के हिसाब से बता रही हूँ। जब सरस्वती की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी की नजर उन पर गई तो वो बेहद ही खूबसूरत और आकर्षित थी, तो जिसके कारण ब्रह्मा जी भी खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाए और वो उन पर मोहित हो गए। ये जो था भावना, ब्रह्मा जी की भावना जो थी, सरस्वती ने भाप ली थी और उन्हें पता चल गया कि ब्रह्मा जी उन पर आकर्षित हो रहे हैं। तो फिर सरस्वती माता ने अपने आप को छुपाने के लिए ब्रह्मांड के कोने कोने में छुपने लग गई। पर ऐसा हुआ कि ब्रह्मा का रचना जो है, ब्रह्मांड वो उन्हीं की रचना है, वो उनसे कहाँ तक छुप सकती थी। आखिरी में सरस्वती माता ने विवश होकर अपने ही पिता ब्रह्मा जी से विवाह करने का मन बना लिया और दोनों ने विवाह कर लिया और 100 वर्षों तक जंगल में विवाहित जीवन व्यतीत किया। इसी बीच में उनका एक पुत्र हुआ जिसे कि हम मनु कहते हैं। इस ब्रह्मांड का पहला मनुष्य जिसे मनु के नाम से भी जाना जाता है, और उसकी उत्पत्ति हुई। ये तो था सरस्वती पुराण के हिसाब से कथा, पर वैसे ही मत्स्य पुराण में भी कथा है। बस थोड़ा सा फर्क ये है कि उसमें कहा गया है कि ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। जब सृष्टि की रचना कर रहे थे ब्रह्मा जी, उस समय उन्होंने अपने ही मुख से सरस्वती की उत्पत्ति की। और सरस्वती का जब उत्पत्ति की तो उन्होंने देखा सरस्वती को और वो उन पर मोहित हो गए, आकर्षित हो गए, और फिर उन्होंने विवाह का विचार मन में बना लिया। जब सरस्वती ने ये भाप लिया कि ब्रह्मा जी उन पर आकर्षित हो रहे हैं, विवाह करना चाहते हैं, तब वो ब्रह्मा जी की इस सृष्टि में इधर उधर छुपने लगी। आखिरी में वो आकाश में जाकर छिप गई, पर ब्रह्मा जी का जो 5 सर था उसमें से एक जो सिर थी उसने सरस्वती माता को देख लिया और उन्होंने, ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता को खोज लिया और विवश होकर सरस्वती माता विवाह कर ली ब्रह्मा जी। दोनों के विवाह के पश्चात दोनों का पुत्र मनु, जो धरती का प्रथम मानव कहा जाता है, उसका जन्म हुआ। मनु को वेदों, सनातन धर्म, संस्कृत भाषा का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने बहुत सारी भाषाओं और वेदों की रचना भी की। तो इस तरीके से सरस्वती माता और ब्रह्मा जी के विवाह हुई और उन्होंने अपनी पुत्री से ही शादी कर विवाह कर पृथ्वी का प्रथम मानव जो है मनु, उसकी उत्पत्ति। तो दोस्तों, आज हमने इस छोटी सी कथा से ये जानकारी ली कि कैसे ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से ही विवाह किया। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो, कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कर जाइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको आगे देखने को मिलते रहेंगे, तो बेल आइकन प्रेस कर जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं एंड करती है। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय मां लक्ष्मी।